तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। अ कॉइल 200 टन्स एंड एरिया 0.20 मीटर स्क्वायर इज रोटेटेड एट हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड एंड इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना परपेंडिकुलर टू एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है एक्सेस ऑफ रोटेशन के कॉइल के। द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड मैक्सिमम इन द कॉइल इज 2π/बीटा वोल्ट। द वैल्यू ऑफ बीटा इज सॉल्यूशन। देखो, एक हमारे पास ये एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। इस सर्कुलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स 200 टर्न है। एरिया ए 0.20 मीटर स्क्वेयर है। फ्रीक्वेंसी एन दे रखी है यहां पर हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हो 2π n करके रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चलो 0.01 टेस्ला। अब इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो परपेंडिकुलर है एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल के। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन कॉइल की ऐसे रखें, ऐसे घुमा रहे हैं इसे एंगुलर वेलोसिटी स्मॉल, और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड रख लें, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब देखो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। देखो ये एक्से हो गई और ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया ऐसे, तो परपेंडिकुलर है, ये बात बोली गई है। तो मान लो किसी इस इंस्टेंट पर इसमें बी और एरिया के बीच में जो एंगल है इस समय, जो मैंने इनिशियल स्टेट ली है जब टी रावा जीरो घुमाने से पहले, तो थीटा मैंने रखा 0 डिग्री। That means angle between B vector and direction of area vector. क्योंकि ये 2D है तो प्लेन के परपेंडिकुलर कॉयल का जो एरिया होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। और 2D है तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो नीचे मान लिया है B भी नीचे है और एरिया भी डायरेक्शन भी नीचे है, तो थीटा 0 डिग्री हो गया। तो इनिशियली थीटा 0 डिग्री है, तो फ्लक्स इनिशियली जो होगा वो बी ए घुमाने से पहले cos 0 डिग्री, दैट मीन्स बी ए, ठीक है। अब मान लो किसी इंस्टेंट पर टी सेकंड में घुमा दिया, कितना घुमा दिया, टी सेकंड में इसे एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमा दिया, तो आफ्टर टी सेकंड घुमाने के बाद कितना एंगल हो जाएगा, थीटा ओमेगा टी हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर स्पीड हमने पढ़ी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ये पढ़ा है। तो टी सेकंड में कितनी एंगुलर स्पीड से घुमा रहे हैं इसे, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमाएं, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घुमाएं, तो टी सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, इतना। तो इतना बी और एरिया की जब घूमेगी तो बी की डायरेक्शन तो ऐसी रहेगी और एरिया की डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसीलिए बी और एरिया के डायरेक्शन के बिटवीन एंगल थीटा ओमेगा टी हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा टी सेकंड पर, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तो फाई किसी इंस्टेंट टाइम पर आपका फ्लक्स इतना है बी ए कॉस ओमेगा टी, ये ठीक है। अब इसको अगर हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडे एक कॉइल से है बेटा, फैराडे लॉज के अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ जो होता है ई बराबर माइनस का डी फाई ओवर डी टी होता है ना, ये माइनस का डी फाइव ओवर डी टी। अगर हम इसका मॉडुलस लेके चलें तो साइन हट जाएगा, केवल हमें दर्शन से मतलब नहीं है, मॉडुलस से मतलब है। लेकिन इसमें एन टर्न भी है, इसीलिए एन टर्न से करें तो एन का मल्टीप्लाई और कर लें, तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा ई बराबर एन और डी फाइव ओवर डी टी में साइन हटा दिया मैंने, यहाँ पे मॉडुलस के अंदर लिख लेता हूँ डी ओवर डी टी, कितना फाइव की वैल्यू कितनी है बी ए कॉस ओमेगा टी। अब डी ओवर डी टी जब हम करें कॉस ओमेगा टी का तो ये आएगा माइनस के साइन ओमेगा टी, ओमेगा एक्स्ट्रा है तो ओमेगा का डिवाइड भी आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई आएगा, ये तो कितना हो जाएगा। तो माइनस साइन को तो हम वैसे भी इग्नोर कर गए, इस माइनस को भी इग्नोर कर देना, हटा देना, तो एन की वैल्यू आ गई, ये माइनस हटा दिया, ये चलो माइनस माइनस प्लस कर लो, तो कितना हो जाएगा बी ए ओमेगा
कॉस कॉस की जगह पे सॉरी साइन ओमेगा टी, तो इंड्यूस डीएमएफ हो जाएगा ई बराबर एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, इतना इंड्यूस नेटवर्क आया। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल, तो एक बात बताओ, इफ साइन की वैल्यू अगर कैसी हो, साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर मैक्सिमम हो, देन जो इंड्यूस डीएमएफ होगा ई वो मैक्सिमम होगा, और साइन की टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो प्लस वन होती है, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ई की वो हो जाएगी एन ए बी ओमेगा। और हमसे ये पूछा है बस वैल्यू पुट करनी है, एन की वैल्यू 200 है, सॉरी 200 है, 200, ए की वैल्यू कितनी है 0.20 है, बी की वैल्यू 0.01 है, और ओमेगा की वैल्यू 2π एन है, और एन की वैल्यू 1/2 है, ओमेगा की वैल्यू 2π n और एन की वैल्यू 1/2। देखो सबकी वैल्यू पुट कर दी, ई मैक्सिमम निकाल लेते हैं, लेकिन ई मैक्सिमम इसमें दे रखा है 2π/β, तो इसी फॉर्मेट में निकालना, 2π को मत काटना आप, तो 2π को मत कुछ छेड़ो मत उसको बिल्कुल भी, 2 से देखो ये कट गया 100 बार, अगर इस पॉइंट को उठाऊं तो नीचे हो गया 100, इस पॉइंट को उठाऊं तो नीचे हो गया ये 100, इस 100 से ये 100 से 100 कट गया, और ये 20 से कट गया 5 बार, 20 × 5 = 100, तो ई मैक्सिमम आया आपका 2π/5, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2π/β इज इक्वल टू 2π/5, इससे ये कट गया तो बीटा आ गया हमारा 5, तो इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पे 5 लिख दो, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।